जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव अग्निहोत्री, आज मैं कक्षा 10 के स्टूडेंट्स को इंग्लिश की सेकेंड पोएम, जिसका टाइटल है द साम ऑफ लाइफ, पढ़ाने जा रहा हूँ। द साम, साम मीन्स होता है भजन, और ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का, जीवन का भजन। इसे H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। तो इसमें जो राइटर हैं H.W. लॉन्गफेलो, उन्होंने ये बताया है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ एंजॉय करने के लिए, शोक मनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि मनुष्य का जीवन जो है उसका लक्ष्य कुछ और उत्तम है। क्या है इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है, देखते हैं। तो पहला स्टैंजा है इसमें, वह कह रहा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, रियल मीन्स वास्तविक। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर, ठीक है। तो पोएट कह रहा है कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, द ग्रेव मीन्स कब्र, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, इट्स मीन्स इसका, गोल मीन्स होता है लक्ष्य, ओके, यानी कि एम, उद्देश्य, कि कब्र में जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। यानी हम मनुष्य का जो जीवन है वो वास्तविक है, मनुष्य का जीवन गंभीर है, कब्र में ही जाना यानी कि मरकर के दुनिया से चले जाना ही मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, मनुष्य का उद्देश्य नहीं है, ओके। मीन्स ये हुआ कि मनुष्य ये न सोचे कि उसका जन्म दुनिया में हुआ है तो मरने तक ही उसके कर्तव्य हैं, मरना ही उसका लक्ष्य है, ये नहीं सोचना चाहिए, ओके। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मीन्स धूल मिट्टी, दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, यानी कि पोएट कह रहा है कि अरे मनुष्य जाति के लोगों, तुम धूल हो। देखें स्टूडेंट्स, ये ओल्ड इंग्लिश है, डस्ट दाउ, दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, आर मीन्स हो, ओके। तो तुम धूल मिट्टी से बने हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और डस्ट मीन्स मिट्टी में, धूल में, रिटर्नेस्ट मीन्स रिटर्न यानी कि वापस चले जाना, ठीक है। जैसा लोग कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और मरने के बाद भी वो मिट्टी में ही मिल जाता है, तो पोएट कह रहा है कि ये जो कहावत है कि तुम मिट्टी से बने हो, तुम्हारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही वापस चला जाएगा, मिट्टी में ही मरने के बाद मिल जाएगा, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं बोली गई है, ठीक है। मीन्स आत्मा अजर और अमर है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य का सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। वो सिर्फ जैसे हम लोग पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा, हमारा शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसको छोड़ देती है और एक नया शरीर वस्त्र के रूप में धारण कर लेती है, ठीक है। दोबारा से बताते हैं इस संज्ञा की हिंदी, कि पोएट कह रहा है जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र में ही जाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुम मिट्टी से बने हुए हो और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाओगे, पोएट कह रहा है ये बात शरीर के लिए बोली गई है, ये बात आत्मा के लिए नहीं है, ओके। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और बे। पोएट कह रहा है कि
नॉट मीन्स नहीं एंजॉयमेंट मीन्स मनोरंजन, नॉट सॉरो नहीं दुख, कि जो जीवन हमारा है वो सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है, सिर्फ दुख मनाने के लिए नहीं है। इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, हमारा डेस्टिन्ड जो मंजिल होती है, एंड मीन्स अंत और वे मीन्स रास्ता या तरीका, कि हमारा जीवन का जो अंत है वो कुछ दूसरा ही है। यानी कि पोएट के अनुसार केवल एंजॉयमेंट करना, केवल दुख मनाना ही हमारा जीवन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का की जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, वो कुछ और ही है, उसका अंत कुछ और ही है। बट लेकिन पोएट कह रहा है टू एक्ट, लेकिन फिर भी हमें कार्य करना है कि हम इस प्रकार से एक्टिव रहें, इस प्रकार से अपना कर्म हम करते रहें, दैट इज टुमारो, जिससे कि हर आने वाले कल में, फाइंड्स अस फार्दर, फाइंड्स मीन्स हम पाए पाते हैं, अस मीन्स स्वयं को अपने आप को, फार्दर मीन्स और आगे, देन टुडे आज की तुलना में, यानी जिस कंडीशन में आज हम हैं, जहाँ पर आज हम बैठे हैं, जो मेहनत हम आज कर रहे हैं, जो वस्तुएं हमारे पास आज हैं, जो हमने आज गेन किया है, आगे आने वाले कल में हमारे पास आज से कुछ ज्यादा हो, हम कुछ और अच्छा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करें अपने आप को, तो हम हमेशा ऐसे कार्य में लगे रहें जिससे कि हम अपने आप को वर्तमान से भविष्य में कुछ अच्छा ही प्रस्तुत करें। फिर से एक बार देखते हैं इसकी हिंदी। पोएट कह रहा है कि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ खुशियां मना लेना और दुख मना लेना ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन का जो की जो मंजिल है वो कुछ अलग से ही है, कुछ अलग हटकर के ही है, उसका लक्ष्य कुछ और अच्छा है। पोएट कह रहा है कि मृत्यु और जन्म के चक्कर में ना पड़ करके हमें ऐसे कार्य करना है कि हम हर आगे आने वाले कल में अपने आप को आज से बेहतर ही पाएं, बल्कि पिछड़ा हुआ ना पाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। इस स्टेंजा में पोएट ने क्या किया है, इसमें पोएट ने संसार जो है, जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसकी तुलना युद्ध के मैदान से कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर ये स्टैंडर्ड समझ में आएगा। जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में क्या होता है कि युद्ध के मैदान में सैनिक जो होते हैं वो जब युद्ध शुरू होता है तो अपने जो टेंट हैं वो लेकर के वहां जाते हैं, उसके आसपास कहीं अपने टेंट लगा लेते हैं, वहां रहने लगते हैं और युद्ध लड़ते हैं। उन्हें एक संकेत दे दिया जाता है, उस संकेत, उस इशारे को, उस अलार्म को सुनकर के वो लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो पोएट कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो संसार है वो युद्ध के मैदान के समान ही है। देखें, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड मीन्स संसार के, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड मीन्स क्षेत्र या मैदान, ऑफ बैटल मीन्स युद्ध का, कि जो हमारा संसार है वो एक युद्ध के मैदान के समान है। इन द बिवक ऑफ लाइफ, बिवक मीन्स होता है अस्थाई, डेरा यानी कि पड़ाव, जैसे नहीं कि मिलिट्री के लोग जाते हैं लड़ने तो वो टेंट लगा लेते हैं, तो पोएट कह रहा है कि हमारा जो जीवन है वो एक अस्थाई डेरा है, यानी कि संसार युद्ध के मैदान के समान है और जो संसार में मनुष्य का जीवन है वो स्थाई नहीं है, यानी कि वो अस्थाई डेरा है, यानी कि वो अस्थाई टेंट है, कि काम समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से वो टेंट वहां से उखाड़ लिए जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक निश्चित समय के बाद में समाप्त हो जाता है। परमानेंट स्थाई रूप से मनुष्य पृथ्वी पर नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन पोएट कह रहा है ये सब बातें मानने लायक हैं कि कटु सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना तो है ही, लेकिन ये सोच करके हम कोई कार्य ना करें, हम चुपचाप बैठे रहें, तो ये भी गलत है। कभी कह रहा है बी नॉट लाइक डम,
बी मीन्स बनो, नॉट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स जैसे, डम मीन्स गूंगा, कि अगर ये सब सोच के हम चुपचाप बैठे रहे, गूंगे बन जाएं, कुछ करें ना, हमें गूंगा नहीं बनना है, ड्रिवन कैटल, और हमें ऐसा नहीं बनना है जैसे कि, ड्रिवन मीन्स वैसे ड्राइव करना, चलाना होता है, यहाँ पर पशुओं को हांका जाता है, कैटल मीन्स होता है पशु, जैसे गाय भैंस है, इधर से डंडा मार दिया तो उधर चल पड़ी, उधर से मार दिया तो उधर चल पड़ी, तो जैसे पशुओं को हांक दिया जाता है, पशु गूंगे होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो जहां उनको हांक दिया वहां वो चल पड़े, ठीक उस प्रकार से हमें अपने आप को नहीं गूंगा बनाना है, हमें पशुओं के समान गूंगा नहीं बनना है, बल्कि क्या बनना है, बी अ हीरो इन द स्ट्राइव, हमें एक हीरो बनना है, हीरो स्टूडेंट्स, हीरो का मतलब यहां पर कोई बॉलीवुड का हीरो नहीं कि शाहरुख खान, सलमान खान, नहीं, हीरो का मीन्स नायक, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा काम करे, जो लोगों की भलाई करे और एक बहादुर बनकर के सामने आए, उसको हीरो कहा गया है। तो एक हीरो बनना है इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष, यानी जीवन के संघर्ष में हमें एक नायक के समान बन करके उभरना है। एक बार और देख लेते हैं इसकी हिंदी। कभी कह रहा है कि संसार जो है वो एक विस्तृत युद्ध के मैदान के समान है, और जो मनुष्य का जीवन है वो संसार में उस अस्थाई डेरे के समान है, जिस जैसे युद्ध के मैदान में सैनिक अपना डेरा डालते हैं केवल कुछ समय के लिए, जब तक कि युद्ध चलता है तभी तक के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी एक अस्थाई डेरा है संसार में, और संसार बड़ा सा युद्ध का मैदान है, लेकिन पोएट कह रहा है इन सब बातों को सोच करके हम हतोत्साहित ना हो, हमें गूंगा नहीं बनना है, जैसे कि हांके जाने वाले पशु होते हैं वैसा हमें नहीं बनना है, बल्कि जीवन के इस संघर्ष में हमें अपने आप को एक बहादुर व्यक्ति, एक हीरो, एक नायक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना है अच्छे कार्य करके। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टैंजा है। अब पोएट ने यहाँ पर सलाह दी है, जब पोएट ने पूरी पोएम में यही बताया है कि जीवन कुछ हो चाहे न हो, मनुष्य पैदा हुआ उसको मरना है, ये तो कटु सत्य है, लेकिन फिर भी हमें चुपचाप नहीं बैठना है, हमें अपना काम तो करना ही है। तो पोएट कह रहा है कि इस स्टंजा में कवि ने हमें कर्मशील होने की शिक्षा दी है कि हम अपना कर्म करते रहें, हमारा कर्म ही हमारा मेन उद्देश्य होगा। पोएट कह रहा है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस मीन्स हमें चाहिए, बी देन मीन्स तब, लेट अस हमें चाहिए, देन मीन्स तब, बी अप एंड डूइंग कि तब हमें, अप मीन्स ऊपर खड़ा होना, डूइंग मीन्स करने लगना, अप मीन्स खड़े हो जाएं। पोएट कह रहा है इस प्रकार तब हमें क्या करना चाहिए, जब सब कुछ क्लियर हो गया है कि कर्म करना ही सबसे अच्छा है, तो पोएट कह रहा है कि हमें एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए और अपने कार्य में लग जाना चाहिए। विद अ हर्ट, एक ऐसे दिल से, इतने मन से, इतना दिल लगा करके, फॉर एनी फेट, कि अपने कार्य में हम लग जाएं, जो हमारा कर्म है वो हम करें, और हमें ये नहीं चिंता करनी चाहिए कि हमारा भाग्य क्या होगा, यानी कि अगर हम अपना लक्ष्य अपना सॉरी अगर अपना हम कर्म करते हैं तो कर्म हम अपना कर्म करें पूरे मन से, यानी जो कार्य हमें दिया गया है वो हम पूरे मन से करें, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम कार्य अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, ये तो सत्य है। ठीक है, जिस प्रकार से इस समय आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करना, अब आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें, पूरे दिल से पढ़ाई करें, तो और ये ना सोचें कि हम पास होंगे या फेल होंगे, अगर आपने मन से पढ़ाई की, पूरे दिल से पढ़ाई की, तो निश्चित है आपको पास होना तो है ही, भाग्य तो आपका अच्छा होगा ही, आपके पक्ष में रिजल्ट तो आएगा ही। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि हमें पूरे दिल से काम में लगना चाहिए और फल की इच्छा हमें कैसा भाग्य होगा ये हमें नहीं सोचना चाहिए। स्टिल अचीविंग,
स्टिल मीन्स हमेशा, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना। पोएट कह रहा है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, परसुइंग मीन्स पीछा करना, हमें हमेशा कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करके उसको पाने के लिए उसका पीछा करते रहना चाहिए, उसके उसको पूरा करने के लिए उसमें लगा रहना चाहिए। और लर्न टू लेबर, हमें सीखना चाहिए, टू लेबर मीन्स परिश्रम करना। पोएट कह रहा है कि हम लोग परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और परिश्रम करके जो हमारा कर्म है, अपना कर्म करके हम इंतजार करना भी सीखें। यानी कि हमने अपनी मेहनत कर ली, हमने अपना कार्य कर लिया, और फिर हम हड़बड़ी में ना पड़े कि जल्दी हमें इसका रिजल्ट मिल जाए, हम इंतजार भी करें। यानी पोएट का हमें समझाने का लक्ष्य ये है कि हम अपना कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना करें। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो फल तो हमें ईश्वर वैसे ही अच्छा ही देगा। एक बार और देखते हैं। कभी कह रहा है कि इस प्रकार हमें एक्टिव होना चाहिए, उठ करके खड़े हो जाना चाहिए, अपने कार्य में लग जाना चाहिए पूरे दिल के साथ। भाग्य हमारा कुछ भी हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, हमें हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करते रहना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य का पीछा करते रहना चाहिए। और हमेशा हमें ये सीखना चाहिए कि हम परिश्रम करें, और परिश्रम करके फल का इंतजार भी हमें करना चाहिए। मीन्स हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, फल तो हमें अच्छा मिलेगा ही। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, और तब तक के लिए आपको ये बार बार रिपीट करके वीडियो देखनी है, समझनी है, और उसको सही से पोएम को समझ लेना है। ओके, जय हिंद।